राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किंजल यानी ड्रैगन मिसाइल को एक आदर्श हथियार करार दिया। रूस ने जिस किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है उस हाइपरसोनिक हथियारों की स्पीड की डिटेल समझिए। हाइपरसोनिक मार्क 5 यानी आवाज की गति से 5 गुना स्पीड। सुपरसोनिक मार्क 2-3 यानी आवाज की गति से 2 या 3 गुना स्पीड। सबसोनिक मार्क 0.8 यानी आवाज की गति से कम स्पीड। जरा सोचिए किस रफ्तार से यूक्रेन को तबाह करने की पुतिन ने प्लानिंग की है। रूस यूक्रेन के हर शहर को निशाना बना रहा है, मिसाइल बरसा रहा है, रॉकेट दाग रहा है, लेकिन उसकी निगाहें राजधानी कीव पर लगी हैं। यूक्रेन ने कीव को लेकर ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसे भेद पाने में रूस की सेना अब तक नाकाम रही है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने कीव के पास 30 अहम ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। साथ ही ये भी कहा है कि रूस की सेना को उसने 70 किलोमीटर दूर खदेड़ दिया है। रूस यूक्रेन जंग कितने दिन और चलेगी कोई नहीं जानता, क्योंकि जब तक कीव पर रूस का कब्जा नहीं होता तब तक यूक्रेन हथियार नहीं डालेगा। रूस चाहता है कि जल्दी से जल्दी कीव पर उसका कब्जा हो और यूक्रेन को बिना किसी शर्त के झुकना पड़े। हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल इसी प्लानिंग का हिस्सा है। यूक्रेन के सैनिकों से मिल रही कड़ी टक्कर के बाद रूस अब कीव पर कब्जे के लिए अपने घातक हथियारों के इस्तेमाल की योजना बना रहा है और कीव को चारों ओर से घेरने के लिए वो कीव समेत अलग अलग शहरों में अपने तोपों और टैंकों से लगातार हमला कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन की शांति और सुरक्षा ही रूस की गलतियों और नुकसान को कम कर सकती है। रूस नहीं रुका तो उसे भारी नुकसान उठाना होगा। अब मुलाकात और बातचीत का समय है। बातचीत से ही रूस अपने नुकसान को कम कर सकता है। यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को कायम रखना जरूरी है। कीव पर कब्जे की लड़ाई में अभी कई दिनों का वक्त और लग सकता है, लेकिन 24वें दिन जिस तरह से घातक हाइपरसोनिक मिसाइलें यूक्रेन पर दागी जा रही हैं, उसके सामने यूक्रेन का बहुत दिनों तक टिके रह पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जल्द ही कीव पर कब्जा कर भी ले, लेकिन इस जंग में यूक्रेन का जो हाल हुआ है, वहाँ जो बर्बादी हुई है, उसे बयां कर पाना आसान नहीं है।